पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस महामारी को लेकर पीएम मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर रखा है। महामारी का सबसे ज़्यादा असर दिहाड़ी मजदूर व गरीब लोगों पर पड़ रहा है। ना उनके पास रहने के लिए छत है और ना ही पेट भरने के लिए खाना बचा है। कई ऐसे मजदूर परिवारों के लिए अल मदनी फाउंडेशन समिति आगे आई है। नीमच के खारी कुएं के अल मदनी फाउंडेशन समिति द्वारा सर्वधर्म के लोगों में सुबह शाम करीब 500 से 600 पैकेट रोज घर घर जाकर वितरण कर रही है। कोरोना वायरस से जितने भी लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं इसमें, उसमें भी हम हमारे अल मदनी ग्रुप इसमें सहयोग कर रहा है। 500-600 पैकेट जितने भी बनते हैं जरूरतमंद तक वहाँ पर पहुँचाते हैं। सुबह मतलब 9 बजे से 12-1 बजे तक तो खाना तैयार होता है, फिर 1 बजे से बांटते हैं तो 2:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फिर शाम का स्टार्ट हो जाता है, शाम को 7 बजे तक बांट देते हैं। 15 से 20 लड़के हैं जिसमें मतलब ये सहयोग कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली इसमें, पुलिस अच्छा सहयोग कर रही है हमारा प्रशासन। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये अपील करते हैं लोगों को, घर घर जाके बोलते हैं भाई दूरी बनाए रखिए, साफ़ सफाई रखिए, साबुन से डिटॉल से जिससे भी हो सके हाथ धोइए, थोड़ा इससे बचाव करो। हमने जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है 25 तारीख से इन सब लोगों ने शपथ ली थी कि हम लोग भी हमारे लोगों के लिए कुछ करें। इसमें ये लोग कम से कम 12-15 लोगों की टीम है, ये अपना नईम अंसारी अध्यक्ष है अल मदनी ग्रुप के, ये पूरा ग्रुप मिलके कम से कम 200-250 पैकेट सुबह 250 शाम, जैसे अम्बेक्टर कॉलोनी, एकता कॉलोनी, ईदगाह एरिया, मौलाना आजाद कॉलोनी, हवाई अड्डा रोड, जहाँ जहाँ गरीब तबके के हैं, जैसे विधवा हैं, जो बाहर के लोग फंसे हुए हैं, वो इसमें कोई से भी समाज हो, इसमें सभी जगह ये लोग सुबह शाम अपने घर बैठे सेवा दे रहे हैं। ये सराहनीय मामला ये है कि इसमें हम लोगों ने एक अपील भी करी थी, जो जो सक्षम लोग हैं इन लोगों को आटा तेल हर चीज़ की चीज़ मुहैया करा रहे हैं। वहीं पुरानी नगर पालिका बंगला नंबर 60 के रहवासियों के द्वारा जन सहयोग से अपने हाथों से खाना बनाकर 600 पैकेट रोज वितरण किए जा रहे हैं। हम लोग लगभग 300 लोगों का खाना दिन में बनता है, 300 लोगों का खाना शाम को बनता है। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए 25 जने हैं, जो कई लोग रोटी उगाते हैं, कई लोग मतलब सबके घर पे खाना पहुंचाते हैं। आपने देखा ही होगा कई लोग टीम बनाकर हमारे रोटियां भी बेल रहे हैं, रोटियां भी उतार रहे हैं, सब्जियां भी बना रहे हैं। इसमें हलवा ही नहीं है, मतलब लगभग हमारा ही सहयोग है। और इसके अंदर बंगला नंबर 60 पुरानी नगर पालिका के काफ़ी लोग हैं जो पैसे से भी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी आटे से, मसालों से, तेल से, टंकी से, हर चीज़ का सहयोग किया जा रहा है। और इसमें काफ़ी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, अली फाउंडेशन का भी काफ़ी योगदान है हमारे साथ। करीब 300 पैकेट सुबह और शाम 31 तारीख से बराबर चल रहा है, और ये सबके व्यक्तिगत प्रयास से चल रहा है। कौमी एकता की एक बेहतरीन मिसाल जो है बंगला नंबर 60 में इस वार्ड से मिल रही है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग यहाँ नहीं है, लेकिन अली फाउंडेशन की तरफ से हमको मदद मिल रही है और पब्लिक की तरफ से सभी मिलके कर रहे हैं। ये जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं ये सब सारे अपने मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कोई वो नहीं है कि भाई ये हो, और सब समाज के लोग हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज ही जा रहा है। नीमच जिले से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।